नमस्कार दोस्तों, यदि आपका भी बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है और यदि आप घर बैठे एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये बात बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड घर पे मंगा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं उस प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चैनल चौबजी टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट प्लस जो ऐप है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में रखा है, उस वीडियो को देखकर आप आराम से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होता है और इस ऐप में लॉगिन कर लेना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में अब आपको मंगाना है आपका एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड मंगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा कार्ड सर्विस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछेगा कार्ड का टाइप कैसा रखना है। तो काफ़ी सारे आते हैं, वीजा क्लासिक, मास्टर क्लासिक, रुपए क्लासिक, जो भी आते हैं। तो जैसे मैं तीसरे नंबर पर सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपका कौन से एड्रेस पे आपको भेजना है, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा ठीक। एंड यहाँ पर सब कुछ जांच कर लीजिए एंड जांच करने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे ऑफिस आपको देखा अकाउंट नंबर, कार्ड का टाइप एक बार कंफर्म करने है, कार्ड का पिन ये होगा एंड कस्टमर नेम ऑन कार्ड ये सब कुछ होगा ठीक है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी एंड कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन के अंदर इस एड्रेस पर आपका जो एटीएम कार्ड है घर पे आ जाएगा ठीक। तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड मंगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट में कंटिन्यूसली कंफर्म नहीं किया क्योंकि मुझे मंगाना नहीं है, ऑलरेडी ये कार्ड पड़ा है, अभी मतलब ख़त्म नहीं हुआ, उसका एक्सपायरी डेट नहीं हुआ। तो आप ऐसे नया कार्ड मंगा सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और सानिया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।